नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यह विधानसभा क्षेत्र पटना जिले में स्थित है। यह विधानसभा पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि इस सीट पर 2010 से पहले पटना सेंट्रल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भिड़ंत होते रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बीजेपी ने जहां अरुण कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, तो वहीं राजद ने इस सीट पर डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवर्षी को चुनावी मैदान में उतारा है। हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर कुम्हरार विधानसभा के राजनीतिक अतीत के बारे में। साल 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी से अरुण कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के अकील हैदर को 37,275 वोटों से हराया था और विधायक निर्वाचित हुए थे। आपको बता दें कि अरुण कुमार सिन्हा को कुल 87,792 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर अकील हैदर को कुल 50,517 वोट मिले थे। वहीं SHS के सुमित रंजन सिन्हा को 3,123 वोट मिला था और वे तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2010 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी और लोजपा के बीच सीधी लड़ाई हुई थी। बीजेपी ने जहां अरुण कुमार सिन्हा को टिकट दिया था, वहीं लोजपा ने मोहम्मद कमाल परवेज को टिकट दिया था। दोनों के वोटों की बात करें तो अरुण कुमार सिन्हा को जहां 83,425 वोट मिले थे, तो वहीं लोजपा उम्मीदवार मोहम्मद कमाल परवेज को 15,617 वोट मिले थे। इन दोनों के बीच में हार जीत का अंतर 67,808 वोटों का रहा था। वहीं कांग्रेस को उम्मीदवार कपिल देव प्रसाद यादव के कुल 9,254 वोट मिले थे और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। 2005 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने अरुण कुमार सिन्हा को टिकट दिया था। इनके खिलाफ चुनावी मैदान में अकील हैदर इस दफा NCP के चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में अरुण कुमार सिन्हा को कुल 89,614 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अकील हैदर को कुल 29,574 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर CPI के मोहन प्रसाद को कुल 2,962 वोट मिले थे। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों पर एक नजर डालें तो हम पाएंगे कि बीजेपी का ज्यादा समय तक कब्जा रहा है और अरुण कुमार सिन्हा लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से जीतते आए हैं। साल 1977 की बात करें तो इस चुनाव में जनता पार्टी के मोहम्मद शहाबुद्दीन विधायक चुने गए थे। 1980 में यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी और शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव विधायक चुने गए थे। इस सीट पर 1985 में कांग्रेस के अकील हैदर विधायक बनने में कामयाब रह गए थे। इसके बाद 1990 में एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की और यहां से सुशील कुमार मोदी विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1995 में और फिर 2000 में सुशील कुमार मोदी ही विधायक चुने गए। इस क्षेत्र के विकास कार्य को देखा जाए तो कई सड़कों का निर्माण कराया गया है। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। बसों का परिचालन कराया गया है। बस स्टैंड की व्यवस्था की गई है। क्षेत्र के चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों की मांग है कि इलाके में भारी जल जमाव की स्थिति से निपटारा दिलाया जाए। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति ना हो पाने की वजह से बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों को लेकर भी बहुत समस्याएं हैं। फुटपाथ जाम रहता है और सड़कों पर अतिक्रमण बड़ी समस्या है, जो परेशानी का कारण बनती है। ओल्ड बाईपास, हनुमान नगर, कुम्हरार, महात्मा गांधी नगर इलाकों में जाम की समस्या होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीति अपने चरम पर है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और राजद के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने जहां एक बार फिर से अपने पूर्व प्रत्याशी अरुण कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, वहीं राजद ने इस बार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवर्षी को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले चार विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है और अरुण कुमार सिन्हा लगातार जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार चुनाव में कई गठबंधन मौजूद हैं, ऐसे में यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि किसकी जीत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।